हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे डिसीजन सही हो या गलत, लेकिन डिसीजन लेना महत्वपूर्ण है। अर्थात हम डिसीजन सही ले या गलत ले, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डिसीजन लें। एक बच्चा अपने पापा के साथ सुपरमार्केट घूमने आया था। जैसे ही वह बच्चा टॉय वाले सेक्शन में पहुंचे तो खिलौनों को देखकर वह बच्चा बहुत एक्साइटेड हो गया। बच्चे ने पापा से रिक्वेस्ट की कि उसे वो टॉय कार चाहिए। पापा अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसे के रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सके। बच्चे ने कार उठा ली और बहुत खुश था, लेकिन दो चार कदम आगे चलते ही उसकी नज़र एक रिमोट कंट्रोल वाली हेलीकॉप्टर पर पड़ी। बच्चे ने अपने पापा से कहा उसे कार नहीं चाहिए, अब उसका इंटरेस्ट उस रिमोट कंट्रोल वाली हेलीकॉप्टर में है। अब मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। पापा थोड़ी जल्दी में थे क्योंकि सुपरमार्केट बंद होने वाली थी। पापा ने अपने बच्चे को समझाया कि जो लेना है वह जल्दी जल्दी ले लो और चलो यहाँ से। बच्चे ने कार वापस रख दी और हेलीकॉप्टर उठा लिया। वो दोनों जैसे ही थोड़े और आगे बढ़े ही थे कि बच्चा फिर से बोला कि अब मुझे रिमोट वाली हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, वो वीडियो गेम वाला सेट चाहिए। पापा बोले अच्छे से सोच लो और जल्दी से जो लेना है वो ले लो, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बच्चा इधर उधर भाग ही रहा था और देख ही रहा था कि सुपरमार्केट की लाइट ऑफ होने लगी और अनाउंसमेंट हुई कि सुपरमार्केट बंद हो चुकी है। बच्चा रोता ही रह गया और उसको एक भी खिलौना नहीं मिल पाया। दोस्तों, हम सब उस बच्चे की तरह हैं और यह दुनिया एक सुपरमार्केट की तरह है जहां पर बहुत अलग अलग वैरायटी के खिलौने रखे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे च्वाइसेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम डिसीजन ही नहीं लेंगे तो कि हमें क्या करना है, तो हम सब आखिर में उस बच्चे की तरह खाली हाथ ही वापस जाएंगे। हम हमेशा डिसीजन लेने से डरते हैं। हम यह सोचते हैं यह डिसीजन कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन दोस्तों, गलत डिसीजन लेना डिसीजन ना लेने से बेहतर है। इस दुनिया में बहुत सारे सफल लोग गलत डिसीजन लेकर उसे सही साबित कर दिखाए हैं। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि क्या पता टाइम समाप्त होने के बाद हम भी उस बच्चे की तरह अफसोस करते ही रह जाएंगे कि जब मौका हमारे पास था तो हम उसमें से चुने क्यों नहीं। इसी तरह मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।